हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। तो अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ हम हॉस्पिटल में हैं। विवेक को एडमिट किया है एकदम अर्जेंटली, और बहुत कुछ फेस किया है मैंने आज जब इनको मैं एडमिट कर रही थी। और क्या हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से तुरंत एडमिट करने की नौबत आ गई है, वो सब मैं आपको भी थोड़ी देर में बैठ के बताती हूँ। बस अभी आप इतना जान लीजिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत परेशान थे मेरे अपडेट के लिए कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, विवेक कैसे हैं। तो विवेक यहाँ हॉस्पिटल में है फ़िलहाल, इनको एडमिट किया है मैंने। और एडमिट करते टाइम जो संघर्ष किया है ना, उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ आराम से। फ़िलहाल तो एडमिट किया मैंने, और ये नेक्स्ट डे है, मतलब जिस दिन एडमिट किया उससे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है जो आप अभी देख रहे हो। और मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो क्योंकि बच्चों के पास फिलहाल कोई भी नहीं है, नो वन इज़ देयर, तो खाना वाना बनाने घर तो आना ही पड़ेगा। यस, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, आप लोग इस बात की चिंता ना करें कि मैं कोई प्रिकॉशन लेने में, क्योंकि बच्चों के पास आना है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ आ रही हूँ तो बहुत ध्यान रख रही हूँ मैं, चाहे वो सैनिटाइजिंग की बात हो या कुछ भी, सब चीज़ों का बहुत ख्याल रख रही हूँ। तो ये मैं घर पर आ गई थी, बच्चे सोफ़ा वगैरह साफ़ करे थे, और बस उस टाइम की ये क्लिपिंग है। हॉस्पिटल में और हमें बहुत दुख हो रहा है, कल मैं भी रोई, अभी भी रोया, बट मुश्किल वक्त पे ऐसे रोना तो आ ही जाता है। और आई लव यू मम्मा। मम्मा बहुत अच्छे से हम सबको संभाल रही, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और थैंक्स टू हमारे रिलेटिव्स जो, अरे एक मिनट बनकर अभी, हाँ थैंक्स टू हमारे रिलेटिव्स जो हमारे पास आए थे रात को सोने। मेरी एक कज़न दीदी है पापा की साइड की, वो आई थी और ये साफ कर रहे, इससे लास्ट साफ किया था जब नानी नानी थे। तो जैसे ही हॉस्पिटल से मैं आती हूँ, सबसे पहले अपने बैग को फटाफट सैनिटाइज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे सैनिटाइज़र स्प्रे मंगाए हुए हैं अमेज़ॉन से, 10 से 15 सैनिटाइज़र स्टोर किए हुए हैं मैंने, जैसे कि सैवलॉन और डेटॉल का आता है, वो सब मैं करती हूँ और तुरंत नहाने जाती हूँ, पूरा ऊपर से नीचे तक, लाइक सिर से लेके पाँव तक नहा के अपने कपड़े धो के फिर मैं बाहर निकलती हूँ। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, अब जब घर पर कोई नहीं है तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। आई मीन कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, कौन खाना बनाएगा, सब कुछ मेरे को देखना तो पड़ेगा ही, तो इस वजह से मैं घर पर आई हूँ। और बस अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ इतने दिनों के बीच और क्या रीज़न्स हैं कि विवेक को एडमिट करना पड़ा है। तो चलिए, ओके गाइस, फाइनली मैं आपके सामने हूँ आज सारी बात बताने के लिए कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग किन चीज़ों से निकल रहे थे, जिनके चलते आप मेरे कम्युनिटी पे देख पा रहे होंगे कि मैं आपको कॉन्स्टेंट बता रही थी कि हम बहुत परेशानी में हैं और बहुत तकलीफ में हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतल पुतल चल रही है जनवरी से, आपको पता ही है। जनवरी में इनको कैंसर डायग्नोज हुआ था, 2 फरवरी को इनका मेन ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद दूसरा एक छोटा सा ऑपरेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था 4th डेट को, और उसके नेक्स्ट डे से इनको बुखार चढ़ना शुरू हो गया था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे सूरत वापस से एक चेकअप के लिए। आने के बाद उनका RT-PCR टेस्ट के लिए यहाँ डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि चेकअप के बाद भी 2 दिन तक जब बुखार नहीं उतरा, मैं आपको बताऊँ कौन से दिन की बात है, ये 7 तारीख की बात है शायद, ऐसी कुछ बात है। तो उस दिन हम लोगों ने उनका RT-PCR कराया COVID-19 के लिए अगैन, 2 बार उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका था सूरत के हॉस्पिटल में, तो हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जब उनका बुखार उतर चढ़ बंद नहीं हुआ तो मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने RT-PCR कराने के लिए कहा। हम लोगों ने 7 तारीख को RT-PCR का सैंपल दिया था और नेक्स्ट डे ही उसका रिपोर्ट जल्दी से मिल गया था हमें, जो कि पॉजिटिव था। यस, विवेक कोविड पॉजिटिव थे। एंड ये मुझे पता है कि हमारा सूरत आना जाना लगा रहता था, सूरत में काफ़ी है कोविड अभी, और जिस वजह से मुझे पता है कि उनको वहीं से लगा होगा। और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनकी इम्यून थोड़ा वीक हो गया होता है, तो इसीलिए लग गया होगा शायद। एक पल के लिए तो जैसे दिमागी काम करना बंद कर दिया था, ऐसा लगा था कि अब क्या करें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज लाइक ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने हिम्मत रखी, जैसे ही रिपोर्ट मुझे फ़ोन पे पता चली 8 तारीख को, मैं भाग के तुरंत डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट लेके। ये रात को 7:30 बजे की बात है जब कॉल आया था, और बस मैं विवेक को बोला आराम से बैठो, वो भी थोड़े घबरा गए, मैं कहा घबराओ बिल्कुल मत, और
उनको हमने जिस दिन रिपोर्ट होने दिया था उसी दिन से रूम क्वारंटाइन मैंने उनको कर दिया था फॉर अ प्रिकॉशन बेसिस कि भाई बच्चे साथ में हैं और बुखार चढ़ उतर हो रहा था और थोड़ा सा डर था हमें कि कहीं ये कोविड ना हो क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे आजकल कई बार रिपोर्ट नेगेटिव आती रहती है लेकिन होता पॉजिटिव है। एक कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया और जिसमें एक वो हार्ट पेशेंट भी हैं उनका बीपी भी हाई रहता है उसकी भी गोली उनकी चल रही है टैबलेट और साथों साथ उनका कैंसर का ऑपरेशन जस्ट हुआ था तो हम लोग इसलिए ज़्यादा घबरा रहे थे लेकिन मैंने उनको घबराने नहीं दिया। मैंने उनको बोला आप आराम से बैठो मैं जाके आती हूँ। मैं गई थी रात को 7:30 बजे भागी भागी इतना मन में परेशानी लेके गई थी घर से। मैं एक्टिवा से गई थी मैं एक्टिवा चलाती हूँ आपने मुझे नहीं देखा लेकिन मेरे पास एक्टिवा है। मैं पागल की तरह मेरा बस दिमाग काम नहीं कर रहा था मैं भागी मैंने रिपोर्ट ली डॉक्टर को दिखाई डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट देख के कि ही उनका जो सीटी वैल्यू था दैट इज़ 18 एंड कोई ज़रूरत नहीं अभी हॉस्पिटलाइजेशन की उनका अगर ऑक्सीमीटर वगैरह ठीक है जो कि मैंने 2 दिन पहले से उनका ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया था घर में ऑक्सीमीटर में लेके आ गई थी तो उनका हमेशा 99, 97, 98 आता था जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और पल्स भी 100 जैसा ही आता था जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने उनको बताया कि ये सब नॉर्मल है और फिर उन्होंने एक फैबीफ्लू और एक दूसरी टैबलेट डैबिगो जो कि ब्लड थिनर देते हैं ना वो उन्होंने लिखा और उन्होंने बोला बिल्कुल मत डरिए रूम क्वारंटाइन करिए उनको रूम आइसोलेट करिए वो ठीक हो जाएंगे। और देन कुछ नहीं मैंने फटाफट मेडिसिन खरीदी और डिजिटल थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर तो हमारे पास था ही ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जब ऐसा कुछ होता है और सारी मेडिसिन लेके मैं घर पे आ गई। साथों साथ तुरंत ही मैंने एमवे के विटामिन सी एमवे का डेली जो कि मल्टीविटामिन है और एमवे का एक प्रोडक्ट जो कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए होता है जो कि दिन में 6 टेबलेट लेनी होती हैं वो तुरंत से मैंने मंगा लिया इनके एक फ्रेंड से ऑर्डर करके। ये सारी चीज़ें उनकी मैंने स्टार्ट कर दी और उनको रूम आइसोलेट कर दिया। तकलीफ हो रही थी क्योंकि उनके पेट पे बैंडेज थी देखा नहीं जा रहा था हस्बैंड को इस हालत में कि एक तो पेट पे बैंडेज है जो कि रोज़ करनी पड़ती थी और उस हालत में उनको रूम आइसोलेट करना और जिसमें इंसान का ऑपरेशन हुआ है इतने दिन से वो बुखार झेल रहा है उसको वीकनेस आ गई है लेकिन उन्हीं कंडीशन में उनको मुझे रूम आइसोलेट करना पड़ा। मजबूरी ही ऐसी थी बच्चों को भी देखना था खुद को भी। अगर मुझे कुछ होता मुझे अपनी परवाह ऐसे नहीं है लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो विवेक को कौन देखेगा और बच्चों को यहाँ पर कोई और नहीं है तो उनको रूम आइसोलेट कर दिया मैंने 8 तारीख को और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने दिन तक ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई ना ही उनको ज़्यादा खांसी थी। उनको खांसी 13 तारीख की रात से थोड़ी उठी बाकी उनको खांसी नहीं थी और ऑक्सीजन दिन में 5 से 6 बार हम चेक करते थे बिल्कुल ठीक आता था। मैं पूरा मॉनिटर कर रही हूँ हर चीज़ को मैंने पूरा बुक मेंटेन किया है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी तो जिससे कि मैं डॉक्टर को बाद में वो सब जाके बता सकूं प्रॉपर वे में। तो वो सब कुछ चल रहा था उनका एक रूटीन बना दिया था मैंने मॉर्निंग में अच्छा सा ब्रेकफास्ट और हॉट वाटर। हॉट वाटर का मेरे पास बड़ा जार है जो कि मैं उनको भर के दे देती थी। पेशेंट को हम रूम आइसोलेट करते हैं ना तो पहली चीज़ तो वो इमोशनली उसके लिए काफ़ी बड़ा सा धक्का सा होता है कि उसको अगले 14 दिन तक अकेले रहना है और विवेक उस कंडीशन में हम जैसे नॉर्मल नहीं थे उनका ऑपरेशन होके चुका था ऑलरेडी वो हॉस्पिटल से ही बुखार में आए थे तो उनको वो एकदम मेंटली ब्रेकअप हो रहे थे। उनको मैंने ब्रेकअप नहीं होने दिया उनको ब्रेकडाउन नहीं होने दिया मैंने उनके इमोशनल मैंने बहुत समझाया मैंने उनको बुक पेन दिया आप लिखो और ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की आई थिंक नहीं किए तो अब कर देती हूँ मैंने क्या क्या किया कैसे कैसे किया सारी जर्नी मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगी कि उनके कोविड से रिकवरी की क्या जर्नी रही। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ मैंने क्या क्या किया हमने कौन सी चीज़ें कौन से स्टेप्स फॉलो किए कैसे हम कोविड में से बाहर आए बाहर आ रहे हैं अभी विवेक हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ इतने दिनों में जो कि मैं इतनी परेशान थी कि ना मैं व्लॉग्स डाल पा रही थी। व्लॉग कोई बना ही नहीं सकता इस कंडीशन में मतलब आप लगा लो कितने दिन वो क्वारंटाइन रहे रूम आइसोलेट रहे 8 से लेके 14 तक लेकिन आपने कौन सा ब्लॉग देखा मेरा बस वही ना जो उससे पहले का था या उसके बीच में मैंने जो एक आपको अपडेट वीडियो इससे पहले दिखाया बस वही आपने देखा तो तभी वो रूम आइसोलेशन में ही थे जो आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा तो मैं नहीं कर पा रही थी ब्लॉगिंग चाह के भी मेरा ये सब कुछ बंद हो चुका है मुझसे ब्लॉगिंग नहीं हुई लेकिन अब आपको भी अपडेट देना ज़रूरी है। कई सारे लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी क्या चल रहा है ज़िंदगी में प्लीज़ बताओ भैया कैसे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना
कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। तो मैं आपको ये सारी स्टोरी बाद में बताऊंगी कि कोविड का पता चलने के बाद मैंने कौन से प्रिकॉशन लिए, उनको रूम आइसोलेशन के टाइम पे क्या खाने के लिए दिया, क्या नहीं दिया, एंड जो भी मैंने उनकी केयर की वो फेलियर भी नहीं गई, क्योंकि उनको वीकनेस नहीं है बिल्कुल भी अभी भी, इतने दिनों के बुखार के बावजूद। 4 times steams, हल्दी वाला दूध, काढ़ा, और जब भी पीना था हॉट वाटर पीना था, और मैंने उनको पूरा फ्लास्क भर के दे देती थी, साथ में एक जग नॉर्मल वाटर का दे देती थी, वो अपने हिसाब से जितना टॉलरेट होता था उतना गर्म मिक्स करके पीते थे, साथ में गार्गल सॉल्ट वाटर के, और इसके अलावा एक हेल्दी डाइट, पूरा फुल लंच दाल चावल सब्जी रोटी, रात को अलग से सब्जी और साथ में रोटी और सैलेड खूब सारा, और फ्रूट्स में मैंने उनको बनाना और ये नहीं दिया ऑरेंज, क्योंकि उनको खांसी हो सकती थी, हल्का सा कफ हो रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ एप्पल और कीवी दिया था, और कीवी विटामिन सी में हाई होता है। तो ये सारा सब चल रहा था उनका, 8 से लेके 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और दिन में मैं उनको 4 से 5 बार वीडियो कॉल करती थी, और कॉल तो दिन भर होता था क्योंकि हम रूम नहीं खोल पा रहे थे, बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी आइसोलेशन के टाइम पे कि बच्चे घर में हैं तो संभालना बहुत ज़रूरी है, और जब भी मैं उनका कोई काम करती थी या उनको कुछ भी देती थी खाना वगैरह, तो बहुत संभाल के थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती थी, वहीं बाजू में स्टेशनरी कैबिनेट है उसके ऊपर रख देती थी। एवरी टाइम आई यूज़ टू यूज़ ग्लव्स, एवरी टाइम आई यूज़ टू यूज़ मास्क, प्रॉपर 3-layer mask, उनको भी मास्क दिए हुए थे जो कि मैं टाइम टू टाइम डिस्कार्ड करवाती थी, उनका रूम उनसे सैनिटाइज करवाती थी, अंदर स्प्रे दिया हुआ था, साथों साथ बहुत सारे स्प्रे मैंने यहाँ भी रखे थे। ये सारी स्टोरी मैं आपको आराम से बताऊँगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था, ही वॉज ओके। कई बार मुझे कहते थे खाने का मन नहीं कर रहा, मैं कहा नहीं खाना है, क्योंकि हमें इस वायरस से लड़ना है, इसलिए आपको ठीक से खाना है, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगी। तो उनको समझा के मैं को बच्चे से खिलाती थी, उनको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर करके, नहीं तुमको सैलेड भी पूरा करना है, तुमको जो मैंने एप्पल काट के दिए कीवी काट पूरा करना है, फिर हल्दी वाला दूध जो कि वो कभी नहीं पीते लेकिन अभी पी रहे हैं। तो बीच में 2 बार मैं डॉक्टर को भी मिलकर आ गई थी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं अकेले जाती थी, इनको ले जाना ठीक नहीं था इसलिए अकेले जाती थी, तो वो भी मुझे बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके एंड ही विल बी फाइन। तो एक दिन उनको सुबह में उठी ना तो उनको डायरिया लग गया था, तो जिसके लिए डॉक्टर को फोन किया, कुछ मेडिसिन चालू की। नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मुझे बोले मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूख रहा है, मतलब गला नहीं मुंह सूख रहा है, सो नहीं पा रहा हूं। फिर उसके लिए डॉक्टर को मिलने के लिए गई, और थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे की बात है जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए, तो थर्ड डे यानी 14th को इन्होंने मुझे सुबह उठ के बोला कि मुझे खांसी बहुत उठ रही है, एक दिन पहले से हल्की सी खांसी हो गई थी, तो मैंने इनके लिए कफ सिरप लिखवा लिया था डॉक्टर से, वो ये पी रहे थे, उनका कफ सिरप मैंने स्टार्ट करवा दिया था एक दिन पहले 13 तारीख को, ठीक है। 14 को जब वो मॉर्निंग में उठे, मुझे 13 से ही कुछ ऐसा वो था, इंट्यूशन सा था, घबराहट थी मन में पता नहीं क्यों। तो जब वो 14 को सोके उठे सुबह में 8 बजे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बोले मुझे खांसी बहुत आ रही है, तो मैंने बोला कि सिरप पी लूँ, तो बोले नहीं ज़्यादा आ रही है मुझे खांसी। मैंने बोला अच्छा चलो अपना ऑक्सीमीटर लगा लो, जैसे कि रूटीन वो रोज़ मैं उनको सुबह में कहती थी। मैंने उनको हॉट वाटर दिया, वो हॉट वाटर पिया, उन्होंने उसके बाद उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी, जिसमें मैं कभी उनको पोहा देती थी, कभी पराठा, कभी कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें देती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि रुचि मेरे को 93 है। मैंने बोला दोबारा लगाओ, मैं डर गई क्योंकि 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो बोले 92 आ रहा है। मैंने बोला तीसरी बार लगाओ, उन्होंने तीसरी बार लगाया तो 92 ही आया। बस वहाँ मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि क्योंकि होता है कोरोना में, कोविड में आपको ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं, अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, जो कि मैं डॉक्टर से पूछ के आ गई हुई थी जब मैं फर्स्ट डे गई थी रिपोर्ट दिखाने, तो तब जब उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह लिखी थी जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये की आई थी, तब उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उन्हें पूछा था कि मुझे आप वार्निंग साइंस बता दीजिए कि क्या ऐसा हो अगर इनके साथ तो मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आऊँ। तब उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बुखार बार बार दवा खाने से भी ना उतरे, या फिर खांसी बहुत हो जाए, या सांस लेने में दिक्कत हो, या ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन कम आए, तो आपको लेके आना है। तो बस मेरे दिमाग की घंटी बज गई, मैंने इनको बोला कि खांसी भी आपको ज़्यादा हो रही है और आपका ऑक्सीजन भी कम आया, तो लेट्स गो टू डॉक्टर टुडे। तो इनको मैं लेके तकरीबन 9:45 डॉक्टर के यहाँ के लिए निकली, ये कल की ही बात है, आज 15 तारीख का ये ब्लॉग है तो जिसमें बातचीत कर रही हूँ। तो मैं इनको डॉक्टर के पास लेके निकली, वहाँ पहुँचे हम लोग तकरीबन 10 बजे और डॉक्टर आए 11:30 बजे, वहाँ तक हम लोग बैठे रहे और पूरा पैकअप होके गई थी मैं। मुझे मेरे लिए भी डर लग रहा है कि मेरा टेस्ट कराऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मुझे मेरे घर में कोई और करने वाला नहीं है, मैं कोई सिम्टम आएगा तो कराऊंगी, सिम्टम नहीं आएगा तो फिलहाल नहीं करा रही हूँ मैं। तो 11:30 बजे डॉक्टर आए, उन्होंने इनका ऑक्सीजन चेक किया तो वहाँ पे भी 92 था, जिसको देखते ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि एडमिट कर लेते हैं। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है आप कर लीजिए, बस वहीं से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ।
डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेड नहीं है, जो कि आप लोग भी सुन रहे होंगे इस वक्त, आप लोग सब ध्यान रखिएगा, बेड नहीं है कहीं पे भी, बेड नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो आपको ऑक्सीजन और आपकी ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी। ये सुनते ही मेरी हवा गुम हो गई थी। मैंने बोला आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर, बिकॉज हम कहाँ जाएंगे अगर आप ऐसे मना कर देंगे। तो उन्होंने मुझे 4-5 हॉस्पिटल के नाम बताए। आप मानेंगे मेरी ये हालत हो गई थी ना कि मेरे हाथ कांप रहे थे, बिकॉज उन्होंने तो मुझे साफ कह दिया कि आपको एडमिट करना है, अब ऑक्सीजन कम है। बस वो सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने एक टैबलेट खरीदी जो कि डॉक्टर ने बोला तुरंत इन्हें दे दो, मैंने दे दी और डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया कि आपको खुद से मैनेज करना है क्योंकि बेड नहीं है कहीं पे भी। आप यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ कॉल कीजिए, पता कीजिए और कहीं पे भी ढूंढ के एडमिट कर दीजिए। 4-5 नाम दिए उन्होंने, जिसका मैंने फटाफट एक साइड पे मैं दवा खरीद रही थी, वो मैं मोमेंट कभी नहीं भूल सकती। हाथ कांप रहे थे मेरे और मैं बाहर दवाई खरीद रही थी, विवेक को वहीं मैंने ओपीडी के बाहर बिठाया हुआ था और फटाफट उनको दवा दी और दूसरे कान पे फ़ोन लगा हुआ था मेरे, कभी यहाँ फ़ोन कभी वहाँ फ़ोन, फिर 2-3 फ्रेंड्स को इनके फ़ोन किया भैया प्लीज़ पता करो कहाँ पे बेड है। आप मानेंगे मुझे इनके एक फ्रेंड ने बोला कि भाई उस हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ बेड है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैंने कहा बस पहले तो यहाँ से निकल लूँ इनको लेके, पहले एडमिट कर दूँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। इनको लेके मैं ऑटो में बैठी और ऑटो में बैठ के मैं निकल रही थी। आप मानेंगे उस ऑटो में हम 2 घंटे घूमे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहीं बेड नहीं मिल रहा था। मैं रो रही थी, लिटरली रोते जा रही थी और फ़ोन पे बात करते जा रहे थे। मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, मेरे विवेक के घर वालों को इन्फॉर्म किया, विवेक के घर वाले भी थोड़े परेशान हो गए, उन लोगों ने भी 2-4 फ़ोन इधर उधर किए कि कहाँ बेड मिल सकता है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, कल का दिन। आप मानेंगे लगभग 12 से लेके हम लोग 2:30 बजे तक घूम रहे थे, मैं पेशेंट को मेरे साथ लेके ऑटो में घूम रही थी कि कहीं बेड मिल जाए। और आप सोचो उस वक्त मेरी हालत क्या होगी कि मेरे पति को कुछ हो ना जाए। आई वॉज लाइक, ऐसा टाइम भी आएगा लाइफ में, सोचा ही नहीं था कि एक के बाद एक मुसीबतें इतनी रफ्तार से। अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए वो, उससे पहले बड़े ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए और बस अभी तो घर ही आए थे हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले और अभी इतनी बड़ी मुसीबत। रोते जा रही थी, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने बोला हिम्मत रख। फिर मुझे लगा कि फ़ोन पे ये लोग मना कर रहे हैं तो क्यों ना मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ एक हॉस्पिटल। तो यहाँ का एक अच्छा हॉस्पिटल है जिसका नाम है यशविन, तो एक अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी नामी गिरामी हॉस्पिटल है। मैंने सोचा मैं वहाँ जाके देखती हूँ, वो लोग फ़ोन पे मना कर रहे हैं कि बेड नहीं है, बट रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं इनको लेके पहुँच गई वहाँ पे, लेकिन वो जो 2 घंटे थे ना ऑटो में घूमने वाले, वो मैं कभी नहीं भूल सकती मेरी ज़िंदगी में। वो जो एहसास था ना कि कुछ हो ना जाए, मतलब आप सोचो कि पेशेंट को बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा है, हर जगह से उसे हॉस्पिटल वापस कर रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं है, जाइए यहाँ से। वॉट वाले भैया भी इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हर जगह लेके गए। फाइनली मैं एक हॉस्पिटल में गई इनको लेके और मैं वहाँ पे बस रोना चालू हो गया मेरा। मैंने कहा मुझे, मैंने हाथ जोड़ दिए, मुझे प्लीज़ एक बेड दे दो मेरे हस्बैंड के लिए। उन लोगों ने बोला आप रोइए मत, पहले हम चेक कर लेते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया, तब तक इनका ऑक्सीजन 96 हो चुका था। तो वो बोले आप क्यों एडमिट करना चाहती हो, 96 हो चुका है। मैं कहा नहीं, सुबह कम हुआ था, ही इज़ ऑलरेडी अ हार्ट पेशेंट, उनको बीपी का इशू है, कैंसर पेशेंट है, मैं ऐसे नहीं ले जा सकती। मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था नाउ इट्स टाइम कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 दिन से रूम में थे और रूम आइसोलेशन में थे, तो काफ़ी बेटर थे वो, उनको कोई और इशू नहीं था, ना बुखार आ रहा था, ना सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे चांस नहीं लेना चाहिए, रात को अगर फिर से कोई दिक्कत हुई ऑक्सीजन की, जिस तरह से अभी कम हुआ, तो मैं क्या करूँगी, उनको कुछ हो गया तो। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एडमिट कर लीजिए उन्हें, तो वो सोच रहे, मुझे लगा कि एडमिट करने में ही भलाई है, चाहे 2-3 दिन 4 दिन का वो जब संभल जाएंगे पूरी तरह से, उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दिन कम बचे थे अब रिकवर होने के लिए, 8 दिन तो ऑलरेडी निकल चुके थे, 8-9 दिन। तो मुझे लगा कि 3-4 दिन की बात है, 15-16-17 दिन में तो कोई भी रिकवर हो ही जाता है कोरोना से, तो वो क्यों ना हम यहाँ निकाल दें, बिकॉज वापस से उनको कोई इशू ना आए। और बेड का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था आगे आगे और बढ़ने वाला था, उस डर से भी मैं वहाँ से नहीं हटी, उनको रिक्वेस्ट करते गई, मुझे रोते हुए कॉन्स्टेंट देख रही थी कि मैं मम्मी से फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी वहाँ बैठ के कि मम्मी आज हम भिखारियों की तरह, आप मानेंगे एक भिखारी की तरह मैं घूम रही थी अपने पति को लेके, और वो इतने वीक हो चुके हैं, मैं आज आपको उनको मिलवाऊंगी।
बहुत वीक हो चुके हैं, उनको बाजू में बिठा के उनके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं बचूंगा या नहीं, मुझे ऑक्सीजन का इशू अगर हो गया तो मुझे ऑक्सीजन देने के लिए नहीं है। एक हॉस्पिटल में तो मुझे यहाँ तक बोल दिया गया कि आपको अगर एडमिट होना है आप हो जाइए, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ ऑक्सीजन दे पाएंगे, अगर आगे बात बढ़ती है तो वेंटिलेटर्स नहीं है। आप इस वीडियो को ऐसे भी ले सकते हो मैसेज की तरह कि ध्यान रखिएगा प्लीज़ सब लोग अपना अपना। खैर फाइनली जिस हॉस्पिटल में मैं उनको लास्ट में लेके गई थी, उन लोग को हम पे दया आई, एक बंदा डिस्चार्ज हो रहा था तो उन्होंने बोला जनरल वार्ड में रूम है हम दे देते हैं आपको। फाइनली हम वहाँ तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे थे और हमें रूम मिला 5 बजे कल, तो विवेक को वहाँ शिफ्ट किया गया। इतने में विवेक का एक दोस्त भी वहाँ एडमिट है सेम प्रॉब्लम से, तो उनकी वहाँ पहचान है, पहचान से एक सेमी स्पेशल रूम हमें दे दिया गया है जिसमें एक और पेशेंट भी है जो कि रिकवर हो चुके हैं। तो अब तक की कहानी ये है, अब विवेक वहाँ पे एडमिट है। कितना ज़्यादा उन्होंने हॉस्पिटल का मुंह देख लिया, बहुत तकलीफ हो रही है उनको देख के। मतलब जनवरी से ही कहानी शुरू हुई है जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 2 फरवरी को उनका ऑपरेशन हुआ बड़ा जिसमें 10 दिन हम रहे वहाँ, इसके बाद अभी हम रहे जब उनका स्टोमक क्लोजर हुआ और अब ये। लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, अब उनको रेमडेसिविर वो जो डोज होती है वो चल रही है और स्टेबल हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन लगाने की टचवुड थैंक गॉड ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कल से अब तक। बस उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और मैं भी चाहती हूँ कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहें, क्योंकि घर पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं। परेशानियाँ तो कुछ नहीं आती हैं जाती हैं, पैसे का भी कुछ नहीं, बस वो ठीक हो जाने चाहिए। तो अभी वो वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ये अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। और अभी आने वाले 6 से 7 दिन शायद रहेंगे, क्योंकि इंजेक्शन का डोज चल रहा है, वो आई थिंक 4 दिन 5 दिन चलता है। तो आज तो कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, मैं अभी उनके पास ही जा रही हूँ। दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं, घर पे आई थी, बच्चों के लिए खाना बनाया, और बच्चों के पास हमारी एक है विवेक, मतलब एक है हमारी काकी, उनकी बेटी आके सोती है बच्चों के पास, या कभी काकी आ जाती है कभी बच्चे चले जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो अब तक का अपडेट मैंने आपको दे दिया, आप लोग बहुत परेशान थे सब लोग कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बता दिया। विवेक को कोविड हुआ है और रिकवर कर रहे हैं, अब आज उनका 10वां दिन है, हाँ 10वां दिन है, तो अब बहुत जल्दी रिकवरी आ जाएगी। और हाँ एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप उनको लास्ट टाइम जब स्टोमक क्लोजर हुआ था तो ज़बरदस्ती जल्दी ले आए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो एक कोविड फ्री हॉस्पिटल है, जैसे ही इनको बुखार चढ़ उतर हो रहा था वो तो खुद ही बोले कि आप डिस्चार्ज ले लीजिए। और सेकेंडली पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, उनकी पूरी मेडिकेशन हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पैरास्टामोल खाने के लिए कहा था, तो फिर वहाँ एडमिट उनको भी रखने का मीनिंग नहीं था, और ना ही वो रखना चाहते थे और ना विवेक रहना चाहते थे, क्योंकि पैरासिटामोल ही दिया था उन्होंने और कुछ नहीं दिया था, ना ही ड्रिपिंग चल रही थी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी हो चुकी थी, सीटी स्कैन से लेके अल्ट्रासाउंड सब कुछ। तो हमने कोई जल्दबाजी नहीं की थी, जब डॉक्टर ने बोला हमने तभी हॉस्पिटल छोड़ा था। वो तो विवेक ने अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे जाना है, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और वो बोले कि सिर्फ आपको पैरास्टामोल टैबलेट यहाँ हॉस्पिटल में भी खाना है और घर पे जाओगे तो घर पे भी वही खाना है और कोई ट्रीटमेंट फर्दर नहीं है, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि कोविड टेस्ट नेगेटिव आ चुका था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ तक के अपडेट्स मैंने आपको दे दिए कि हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम है हमारे लाइफ का। बच्चे भी कभी कभी अपसेट हो जाते हैं कि मम्मी 3-4 महीने से ये क्या चल रहा है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिकॉज आई एम श्योर। और हाँ विवेक ठीक है, अब मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है, वीडियो कॉल भी की मैंने, घर पे मुझे आना पड़ता है बार बार क्योंकि बच्चे हैं घर पे, तो खाने का देखना है, साफ़ सफाई, आके उनके लिए हॉट वाटर करके लेके जाती हूँ, उनके लिए फ्रूट्स, उनके लिए नाश्ता और चाय के साथ खाने के लिए डिस्पोजेबल डिशेज। कल मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ, बहुत संघर्ष की हूँ अपने हस्बैंड के लिए, एक बेड के लिए, ध्यान रखो सब लोग अपना अपना, एक बिस्तर के लिए, एक बेड मिल जाए हॉस्पिटल में उसके लिए भीख मांगी है हम लोगों ने। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये सब करते करते हमें जब 2:30 बज गया था ना, 3 बज गया था, तब पेट में भूख लगनी शुरू हुई क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में लेके निकल गई थी उनको हॉस्पिटल, पानी भी नहीं पिया था मैंने, 4 बजे मैंने पानी पिया है कैंटीन में, उसी हॉस्पिटल में कैंटीन है थोड़ी दूरी पे, वहाँ तक जाने की मेरे में ताकत नहीं थी, इतनी मैं मेंटली, मैं बहुत रोई हूँ कल मम्मी से बात करके। होता है ना इंसान अपने माँ बाप के सामने टूटता है, परीक्षा की भी एक हद होती है ना, मुसीबतों की भी एक हद होती है, वो हद भी पार हो गई अब, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक लास्ट पड़ाव है, बस अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
विवेक अब स्टेबल हैं और ना उनको ऑक्सीजन का इशू है. फर्स्ट थिंग बता दूं, कभी आप इस वीडियो के बाद टेंशन लो, ऑक्सीजन का इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, 97-98 आ रहा है और ना ही उनको सांस लेने में कोई तकलीफ है. हाँ, खांसी है. डॉक्टर को पूछा मैंने, डॉक्टर सेड ये तो कॉमन सिम्टम है कोरोना का, तो खांसी है, दैट्स इट. फीवर भी जड़ों तक नहीं हो रहा है और ट्रीटमेंट फुल फ्लैश उनका स्टार्ट हो चुका है कल से, तो आई एम डैम श्योर 4-5 दिनों में वो घर पर आ जाएंगे. तो थोड़ा सा संघर्ष है मेरी ज़िंदगी में, यही रीज़न है मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, सॉरी उसके लिए. बस आपका साथ प्यार बनाए रखना, क्योंकि ये मेरा बिजनेस भी है और मेरा पैशन भी यूट्यूब, और आप लोग मेरा परिवार बन चुके हो, और बिजनेस के साथ साथ वो पीछे रह गया, आप परिवार बन गए. आपकी दुआएं चाहिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अब उनको और दिक्कतें ना देखनी पड़े. पता है उनको हॉस्पिटल में देखती हूँ ना बैठे हुए, तो चुपचाप रो लेती हूँ, उनको नहीं दिखाती, चश्मा लगा के मास्क यहाँ तक लगा के रो लेती हूँ मैं, क्योंकि अब देखा नहीं जाता उनको तकलीफ में. मतलब बंदे ने कितनी तकलीफ सहन की है, अब नहीं देखा जा रहा. और हाँ, कल रात को मुझे हॉस्पिटल में सोने के लिए सब लोग मना कर रहे थे, मैं फिर भी सोई, क्योंकि उनके पास कोई होना चाहिए. और हाँ, आप लोग मुझे गलत ना लें, मैं घर पर क्यों आई हूँ, बच्चों की वजह से ज़रा चक्कर मारना पड़ता है, मन में तसल्ली हो जाती है, फिर से चली जाती हूँ. चलिए, अब मैं लेट हो रही हूँ, 2:15 बजने वाले हैं, मुझे विवेक के पास पहुँचना है और उनको जाके कुछ खिलाना है. मैं उनको नाश्ता वाश्ता करवा के आई थी सुबह और दवा वगैरह दिलवा के आई थी, डॉक्टर की विजिट हो गई थी उसके बाद आई थी. अब मैं जाती हूँ, फिर मैं 5-6 बजे फिर से घर पे आऊँगी, बच्चों को मिलूँगी और फिर से जाऊँगी. तो बस प्रे कीजिएगा, मैंने सारी स्टोरी आपको बता दी है, और अपना अपना ध्यान रखिएगा. चलो अब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, मुझे लेट हो रहा है, विवेक मेरी राह देख रहे हैं. आपकी दुआएं चाहिए और आपका साथ चाहिए. तो आपसे बात करने के बाद में मैं हॉस्पिटल आ गई और खाना लेके आई हूँ विवेक के लिए. खाना बनाने के लिए घर पे गई थी. बच्चों के पास जो मेरी हाउस हेल्पर है, उनको रिक्वेस्ट की है कि बैठो आप थोड़ा 2-4 घंटा, फिर शाम को फिर से जाऊँगी और नहा धो के वही जैसा रूटीन है वो सब करके वापस आ जाऊँगी खाना लेके. और रात को सोने के लिए हमारी एक हैं काकी, उनकी बेटी आएगी, जैसे मैंने बताया यहाँ पर मैं गर्म पानी लेके आई हूँ इनके लिए, डेटॉल का सैनिटाइज़र, दूसरे सैनिटाइज़र्स, डिसइन्फेक्टेंट स्प्रे, सब कुछ है जिससे मैं बार बार इनका रूम सैनिटाइज़ कर रही हूँ और हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ. और यहाँ मुझे आना पड़ रहा है बिकॉज हॉस्पिटल वाले खुद ही कह रहे हैं कि देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, सो आपको रहना ही पड़ेगा. तो मैं डिस्टेंस बना के रखी हूँ, कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस है उनके मेरे बीच में, और सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ जो लेने चाहिए. जब कोई अपना होता है ना, तो हम उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते. कहने में बड़ा ईजी लगता है कि भाई ऐसे कोविड पेशेंट के पास आप क्यों जा रहे हो, शायद बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है गाइज. और मैं अपने हस्बैंड को इस तरह से बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती, जबकि हॉस्पिटल खुद मुझे ये कह रहा है कि आपको रहना पड़ेगा, आप आपके पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते. शायद ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड हैं. तो अभी के लिए अपडेट वीडियो मैं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ. बस आपकी दुआएँ चाहिए गाइज़.